अब बात मस्जिद पर मचे हुए घमासान की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद पर विवाद और बढ़ता जा रहा है। शिमला में आज व्यापारियों ने बंद बुलाया है। कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला में आज बंद बुलाया गया, जिसे देखते हुए शिमला शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। आपको बता दें, कल मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें कई लोग घायल हुए थे। उसी के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। इस बंद को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मस्जिद के बाहर जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और आज यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ये मस्जिद मेरे पीछे आप नजर आ रही है, ये सामने मस्जिद है और उसके बाहर अब पुलिस का पहरा यहाँ पर लगा दिया गया है और ये यहाँ से थोड़ी आगे ही बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। आपको हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो हर सड़क पर हर जगह यहाँ पर आपको नजर आएंगे और बाकायदा ड्रोन से जो है इस पूरे इलाके की निगरानी जो है वो की जा रही है। सामने आपको नजर आएगा कि ये ड्रोन जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और पहाड़ी इलाका है और इसमें ये काफी मददगार है और लिहाजा ड्रोन के जरिए जो है इस पूरे इलाके की आज यहाँ पर जो कहें तो यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं ड्रोन से निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। आज शिमला का ये संजौली इलाका, यहाँ पर मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए मीनाक्षी, अभी संजौली की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थिति बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुकी है। वहां पर पुलिसकर्मी जो है मस्जिद के आसपास तो थोड़ी बहुत संख्या में है, लेकिन जिस तरह से कल काफी ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी थे वहां पर, वैसे अब वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। काफी पुलिसकर्मी जो है उनको हटा लिया गया है और अब नॉर्मल जो है वो लाइफ वहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं मॉल रोड पर हूं और यहां पर थोड़ी देर बाद दुकानें जो है वो खुलने का वक्त है, लेकिन आज ये कहा गया है कि आज 1 बजे तक यहां पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी और जो कल घटना हुई है, जो वहां पर प्रदर्शन किया गया था, उनके समर्थन में 1 बजे तक जो है शिमला मॉल रोड की दुकानें जो है कल भी 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक बंद रही थी और आज भी ये दुकानें 1 बजे तक बंद रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पुनीत। शिमला की तरह ही उत्तराखंड की उत्तरकाशी में भी अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। उत्तरकाशी में लोग अवैध मस्जिद और मुस्लिम बस्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अवैध मस्जिद और अवैध मुस्लिम कॉलोनी को ध्वस्त करने तक की मांग उठा दी है। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को 1969 में पंजीकृत करवाया गया था। प्रशासन ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि शिमला में भी लोग अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। अब इसी तरह की मांग उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि अगर अवैध मस्जिदों को और मजारों को नहीं हटाया गया तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तरकाशी की तस्वीरें एक बार फिर आप देखें। SRTI के माध्यम से हमें जिला प्रशासन ने जवाब दिया कि लिखित रूप में जवाब दिया कि मस्जिद नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है, मस्जिद पूर्णतः अवैध है। यह जवाब हमारे पास आया। अवैध मस्जिद मजारों का या कोई भी अवैध चीज़ हो उसका ध्वस्तीकरण का कार्रवाई प्रशासन भी कर रहा है, तो प्रशासन ने आखिर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और दूसरी बात, तीन बार हम लोगों ने अल्टीमेटम प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दे दिया कि जिला प्रशासन अवैध जो बूचड़खाने चल रहे हैं, अवैध जितने भी मजारे या अवैध मस्जिदें यहाँ पर चल रही हैं, अवैध निर्माण जो भी चल रहा है, उनके तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा हिंदू समाज, हिंदू संगठन मिलकर बृहद आंदोलन इसके लिए छेड़ेंगे।